दिल्ली के सोनिया विहार और वजीराबाद इलाकों में पिछले 3 दिनों से यमुना नदी के किनारे पर मरी हुई ऐसी हजारों मछलियां पड़ी हैं। बुरा हाल है सर, ये तो 8 नंबर ढेसरा वाला जो नाला जो आया है वो ऐसा पानी तेजाब लेकिन छोड़ा है जहरीला, पूरा जीवा जंत सारे मरत जा रहा है, नीचा मुहे इतना बदबू दे रहा है जो ऊपर तक 1 किलोमीटर तक बदबू जा रहा है। तो आसपास में किसान भी परेशान हो रहे हैं? परेशान भी है, सारे खेती वाला परेशान है, हम लोग भी परेशान है, 15-16-20 आदमी है हम लोग, 50 आदमी, ये सब हम लोग परेशान हो चुके हैं, बैठे हुए हैं। मछुआरों के मुताबिक हरियाणा के इंडस्ट्रियल इलाके से यमुना में छोड़े जा रहे केमिकल मिले पानी की वजह से मछलियां मर रही हैं। ये बुरा हाल की गंदा नाला का पानी जो आ रहा है ना, वो पूरा जीव जंतु लड़का बच्चा सब जो भी नहा रहा है वो बीमार पड़ जा रहा है, और दूसरे में इतना ना मछली मर गया कि हम लोग भूखे मरने पर तैयार है। कितने दिन से दिक्कत है? आग से आंसू गिर रहा है, 4 दिन 2 महीना पहले, 4 महीना पहले आया था, दो ये लगा मतलब कि दो दो हाल हो जाएगा तो हम लोग मलाह तो मर जाएंगे। अच्छा, शिकारी सारे मर जाएगा, तो यहाँ हर साल यही होता है? हाँ, हर ये तो मतलब 5-6 साल से हम सुन रहे हैं। हाँ, फिलहाल के हम 5-6 साल से सुन रहे हैं, साल में हर एक 2-3 बार छोड़ देते हैं लोग। बड़े पैमाने पर मछलियों की मौत पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये कोई नई बात नहीं है, यहाँ पिछले 5-6 साल से ऐसा लगातार हो रहा है। दिल्ली के सोनिया विहार और वजीराबाद इलाकों में पिछले 3 दिनों से यमुना नदी के किनारे पर मरी हुई ऐसी हजारों मछलियां पड़ी हैं। बुरा हाल है सर, ये तो 8 नंबर ढेसरा वाला जो नाला जो आया है वो ऐसा पानी तेजाब लेकिन छोड़ा है जहरीला, पूरा जीवा जंत सारे मरत जा रहा है, नीचा मुहे इतना बदबू दे रहा है जो ऊपर तक 1 किलोमीटर तक बदबू जा रहा है। तो आसपास में किसान भी परेशान हो रहे हैं? परेशान भी है, सारे खेती वाला परेशान है, हम लोग भी परेशान है, 15-16-20 आदमी है हम लोग, 50 आदमी, ये सब हम लोग परेशान हो चुके हैं, बैठे हुए हैं। मछुआरों के मुताबिक हरियाणा के इंडस्ट्रियल इलाके से यमुना में छोड़े जा रहे केमिकल मिले पानी की वजह से मछलियां मर रही हैं। ये बुरा हाल की गंदा नाला का पानी जो आ रहा है ना, वो पूरा जीव जंतु लड़का बच्चा सब जो भी नहा रहा है वो बीमार पड़ जा रहा है, और दूसरे में इतना ना मछली मर गया कि हम लोग भूखे मरने पर तैयार है। अच्छा, कितने दिन से दिक्कत है? आग से आंसू गिर रहा है, 4 दिन 2 महीना पहले, 4 महीना पहले आया था, दो ये लगा मतलब कि दो दो हाल हो जाएगा तो हम लोग मलाह तो मर जाएंगे। अच्छा, शिकारी सारे मर जाएगा, तो यहाँ हर साल यही होता है? हाँ, हर ये तो मतलब 5-6 साल से हम सुन रहे हैं। हाँ, फिलहाल के हम 5-6 साल से सुन रहे हैं, साल में हर एक 2-3 बार छोड़ देते हैं लोग। बड़े पैमाने पर मछलियों की मौत पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये कोई नई बात नहीं है, यहाँ पिछले 5-6 साल से ऐसा लगातार हो रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।